दोस्तों मोटोरोला ने दो नए फोन लॉन्च करने वाला है। उसमें पहला वाला मोटो एज 20 और मोटो एज 20 फ्यूजन करके दो फोन लॉन्च होने वाला है। आज हम मोटो एज 20 के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों इस फोन को स्लिमेस्ट स्मार्टफोन करके बोल रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पता ये स्लिमेस्ट है या नहीं है। ये 17th को इस महीना लॉन्च होने वाला है। लॉन्च होने के बाद में ही पता चलेगा ये कितना स्लिम है और ये कैसा है। आज हम इस एज के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्योंकि इस फोन लॉन्च होने से पहले आपको थोड़ा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। फ्रेंड्स पहले इसका जो परफॉर्मेंस के बारे में हम देखेंगे, तो इसमें ऑलरेडी आपको बता दिया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का इस चिपसेट इसमें यूज किया गया है और ऑक्टोकोर का प्रोसेसर आप इसको देखने को मिलता है। और इसका जो रैम आप देखेंगे तो 8GB रैम के साथ में ये मिलने वाला है। और इंटरनल मेमोरी आप देखेंगे तो 128GB इंटरनल मेमोरी आपको इसमें मिलने वाला है। अभी हम जाते हैं इसका डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों इसमें इसका डिस्प्ले आप देखेंगे तो इसमें 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है और 144Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में ये मिलने वाला है। और इस फोन का फ्रंट और बैक के बारे में देखेंगे तो फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल रहा है और बैक साइड में प्लास्टिक दिया गया है। और इसका बॉडी एल्यूमिनियम से बना है, तो थोड़ा ड्यूरेबिलिटी के साथ में ये फोन मिलने वाला है। और इसके जो बेजल्स के बारे में आप देखेंगे तो बेजल लेस पंच होल के डिस्प्ले के साथ में ये मिलने वाला है। तो ये था इसका जो डिस्प्ले के बारे में। अभी हम और एक मेन चीज के बारे में जानकारी लेंगे, वो है इसका कैमरा के बारे में। कैमरा के बारे में आप देखेंगे तो आपको इधर डिसअपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अच्छा खासा कैमरा का सेटअप आपको इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि आप रेयर कैमरा में देखेंगे तो 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों फ्रंट कैमरा में भी आपको डिसअपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें भी 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, ये भी वाइड एंगल आपको सपोर्ट करने वाला है। तो ये था इस फोन का कैमरे के बारे में। अभी ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया हूँ। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसके फ़ोन के बैटरी के बारे में। बैटरी भी बहुत ज़रूरी होता है। इस फ़ोन में आपको 4000mAh का बैटरी दिया गया है। मुझे लगता है इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इसका जो चिपसेट 778 का जो पावरफुल चिपसेट बोल रहे हैं और फास्टेस्ट परफॉर्मेंस वाला, तो मुझे लगता है थोड़ा इसका बैटरी बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इसमें और एक चीज़ दिया गया है, वो है 30W का टर्बो चार्जिंग। तो जल्दी इनकेस आपका बैटरी ड्राई भी हो जाता है, उतना ही जल्दी ये चार्ज भी कर लेता है आपका फ़ोन को, तो ऐसे आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ये था दोस्तों मोटोरोला का एज 20 फ़ोन का बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अभी आप डिसाइड कीजिए इस फ़ोन को परचेज करना है नहीं करना है। 17th को ये लॉन्च होने वाला है, तो मुझे लगता है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा तो यूज़ हुआ ही होगा। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल।